अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीदास किचन। आज मैं आपको दालचा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। दालचा, उसको दाल गोश भी बोलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए चना दाल, इसे मैंने 4 से 5 घंटा भिगा के रखी। इसका जगह आप लोग अरहर और मैसूर से ही बना सकते हैं मिक्स दाल से। लौकी एक ली मैंने, थोड़ा लौकी ली, इसे मीडियम साइज का काट के रखी है, अपने हिसाब से काटे। फिर ये बड़ा टमाटर है, हरा मिर्ची और धनिया पत्ती को मैंने पीस के रखी है, एक बड़ा प्याज है, और ये गोश है। गोश बकरा गोश से ही बनता है, लेकिन ये देसी मुर्गी है इसलिए मैं इसे 2 सीटी लगाऊंगी। और ये गरम गोटा मसाला है, धनिया, तेज़पत्ती, लौंग, इलायची और हाफ कप तेल है। अब मैं गोश को मिक्स करके चढ़ाऊंगी। अब गोश को मैं कुकर में ऐड कर दूँ, उसे 2 सीटी लगाऊंगी। आप लोग बकरा गोश से ही बना सकते हैं। इसी में मैं गोटा गरम मसाला जो रखी थी वो भी ऐड कर दूंगी। इसी में मैं जो पेस्ट रखी थी धनिया पत्ती और मिर्ची का वो भी ऐड कर दूंगी। अब इसमें बड़ा प्याज काटी थी रफली चॉप करके, इसे भी ऐड कर दूंगी। और टमाटर काट के रखी थी वो भी इसमें डाल दूंगी। इसी में जो मैं तेल रखी थी उसे भी ऐड कर दूंगी। इसमें मस्टर्ड ऑयल नहीं डाले, इसका स्मेल रहेगा। फिर हम धनिया पाउडर रखी डालूंगी, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। हल्दी पाउडर भी 1/2 चम्मच। गोल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच। जीरा पाउडर भी 1/2 चम्मच। और नमक अपने हिसाब से डाल दिया, जितना नमक चाहिए। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अब ये सब को मिक्स करके हम इसमें 2 सीटी लगाइए। मैंने हरा मिर्ची और धनिया पत्ती जो पीसी थी उसका थोड़ा पानी है वो भी इसमें ऐड कर देगी। अब मैं इसे 2 सीटी लगाऊंगी। अब हम दाल चढ़ाएंगे। अलग है कुकर में मैं दाल चढ़ाऊंगी, चना दाल को मैं भिगा के रखी थी उसे डाल दूंगी। इसी में लौकी मैं ऐड कर दूंगी। और हल्दी थोड़ा डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच। और नमक अपने हिसाब से डाल दे। अब इसे थोड़ा पानी लगा के मैं ऐसे 3 से 4 सीटी लगाऊंगी। चना दाल हमारा अच्छा से गल गया है, मैंने खट्टा नहीं बताई थी, मैं तो खट्टा ही भिगा के रखी। अब हम चिकन जो आए थे चिकन को देखेंगे। चिकन हमारा हो गया है, बस इसका पानी को हम एकदम सुखा देंगे, ग्रेवी गाढ़ा कर देंगे। इसके लिए गैस को जोर रख के अब इस सूखने तक इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें हम दाल ऐड करेंगे। इसका पानी सूख जाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अब हमारा ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। जो दाल मैं रखी थी वो सब दाल ऐड कर देंगे। ये टाइम अपना नमक वमक सब चेक कर लें। जो खट्टा रखी थी मैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे। अब ग्रेवी अपने हिसाब से डालें। अब इसे उबलने के बाद इसमें एक तड़का देंगे हम। अब इसमें एक तड़का हम देंगे, उसके लिए तेल ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें लहसुन ऐड करेंगे, लाल मिर्ची। अब इसे हल्का लाल होने देंगे। अब इसमें
अब इसमें हम कश्मीरी मिर्ची एक चम्मच ऐड करेंगे, इसमें झाल नहीं रहेगा। अब हमारा तड़का रेडी हो गया, इसे हम दाल में ऐड कर देंगे। और इसे बंद कर दे, थोड़ी देर के बाद मैं ऐड करूँगी। अब हमारा दालचा बन के तैयार हो गया है, इसे दालचा भी कहते हैं, दाल गोश भी कहते हैं। इसे एक बार ज़रूर बना के देखें, इसे रोटी के साथ प्लेन राइस का संग ये दालचा बहुत अच्छा लगेगा। इसे एक बार बना के देखिए। अगर मेरा बताया वाला रेसिपी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।